कि ये भगवान के बनाए राजा हैं। उन्होंने जब ये अपने एक राज्य थी जो इनका स्वभाव है, इस कारण आप तो आप राजा भैया नहीं, इनका पूरा कुल खानदान यूपी में नहीं पूरे भारत में जाना जा रहा है। देखा जाए मनुष्य के रूप में ये देवता है। हम राजाओं की जो कहानी सुना करते थे वही आज वही गुण इनके खानदान में विद्यमान है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद है रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया कुंडा के जो सम्माननीय विधायक कहे जाते हैं, जनता जनार्दन के बीच में लगातार बने रहते हैं। उनके आवास लखनऊ आवास के बाहर पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बोर्ड वोर्ड लगा है, क्योंकि दो दिन पहले ही उनका जन्मदिन का, पहले तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं पूरे जेटी न्यूज परिवार की ओर से। और आज हम देखने का प्रयास करेंगे, हालांकि वो मौजूद है नहीं है ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इस समय मौजूद है कुंडा और रायबरेली होते हुए लखनऊ आवास के सामने उनके कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग। सीधे चलते हैं, देखते हैं कोई आया है नहीं आया है, ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सोचती है जनता। अगर जनता आई उनसे बात भी करते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बाबा हमें दिख गए हैं, बाबा जी कुछ पढ़ रहे हैं, अब इनसे हम सीधे बात करेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से आए हैं बाबा जी? प्रणाम बाबा जी, क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ? मैं दो दिनों के लिए लखनऊ आया था अपने बेटी के घर, तो मालूम हुआ कि राजा भैया इसी इलाके में उनकी उनका आवास है। अब यहाँ खाली बैठे रहे तो हमने कहा कम से कम हम ये हम जाएंगे, थोड़ा मिलेंगे, और इतनी उत्सुकता होती है क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले के हैं वो, और मैं लखनऊ आऊं और ना मिलूं तो अच्छा तो नहीं लगता। तो बाबा जी इतने समय पता नहीं है या नहीं है, ये तो पता नहीं है क्योंकि जन्मदिन था दो दिन पहले, बोर्ड में आप यही पढ़ रहे होंगे शायद, तो यहाँ पे इतनी उम्र में क्या करने आ गए? मतलब क्या ऐसी बात हुई जो यहाँ पे आके उनका बोर्ड पढ़ रहे हैं, घर के सामने खड़े हैं? देखिए बहुत इसको कम शब्दों में बताना चाहेंगे, व्याख्या अगर करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। कम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहली बात, ये भगवान के बनाए राजा हैं। पहली बात भगवान के बनाए राजा हैं, हमने आपने नहीं बनाया, भगवान के बनाए ये राजा हैं। और इन्होंने जब ये अपने एक राज्य थी जो इनका स्वभाव है, इस कारण आप तो आप राजा भैया नहीं, इनका पूरा कुल खानदान यूपी में नहीं पूरे भारत में जाना जा रहा है। एक इनको देखा जाए मनुष्य के रूप में ये देवता है। हम राजाओं की जो कहानी सुना करते थे वही आज वही गुण इनके खानदान में विद्यमान है। तो हमने कहा भैया राजा भी भगवान के बाद राजा ही होता है, तो क्यों ना वर्तमान भगवान से मिल लिया जाए। लेकिन बाबा कहते हैं राजे रजवाड़ों का जमाना तो खत्म हो गया। नहीं नहीं, आज की डेट में वो खत्म तो हो गया है, लेकिन मैं आज ये दावे से कर सकता हूँ कि कोई भी राजा हो या कोई भी नेता हो, अगर ये टीवी के ऊपर साबित कर दे कि इनके बराबरी कोई कर सकता हो, चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई नेता हो, वो जनता को ये बता दे कि हमने इनसे ज़्यादा काम किया है और कर रहे हैं, तो जो कहिएगा मैं हार जाऊँगा। इनके टक्कर का कोई है नहीं, तभी इनका वर्ल्ड में नाम है, विश्व में नाम है, कि ये नहीं देखते हैं कि न जात न पात। कोई आदमी इनके यहाँ पहुँच जाता है तो समझिए उसकी ये मदद करते हैं। इनके टक्कर का एक भी नेता आप बता दो हमको, बस एक नेता पूरे आप मानते हैं इनके टक्कर का कोई नेता नहीं? कोई है ही नहीं महाराज, कोई है ही नहीं ना, कोई हो ही नहीं सकता पब्लिक के डायरेक्ट मदद के मामले में। अच्छा आप रायबरेली से हैं तो क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या क्या जानकारी आपको मिलती है, क्या जानते हैं? अब हमको तो ये जानकारियाँ मिलती हैं कि ये हर तरीके से कोई आदमी जाए, ये नहीं कि केवल वो राजनीति से जुड़ा हो, कोई भी मुसीबत कमारा है इनके यहाँ अगर पहुंच जाता है ये उसकी मदद करते हैं, हर तरीके की मदद करते हैं, चाहे पैसे का हो चाहे इलाज करवाना हो, मतलब जितना संभव हो हमारा बस चले ना, इनको हम पूरे घोषित करवा दें कि पूरे भारत में इनको सबसे सर्वोच्च पद पर इनको बैठाया जाना चाहिए इनको। बाबा एक ही हम कह रहे हैं, भारत में तो कई विधायक सांसद हैं जी, मतलब उत्तर प्रदेश में 402 403 विधायक मान के चलिए, और तमाम पार्टियों के एमएलए हैं जी,
उनके पास जाइए लाइन लगी रहती है, जनता मिल नहीं पाती है, नहीं मिल पाती। और तो इनसे सहजता से लोग मिल जाते हैं और अपनी मदद भी मांगते हैं, तो क्या क्या अंतर क्या दिखता है? प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों की नहीं? नहीं, प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हमारी हमारा जो जनता से ये कथन है कि अब हमने कई बार अपने चैनल पर भी मैंने कहा है कि नेता मत चुनो, आदमी चुनो, आदमी चुनेंगे तो आपकी मदद करेगा। इनके टक्कर का मैं 85 साल में चल रहा हूँ, मैंने इतना दानवीर जनता की सहायता करने वाला मैंने ऐसा मनुष्य ही नहीं देखा। राज प्रताप सिंह उस राजा भैया कहते हैं, दोराहा बाबा ने इनका नाम रखा था पुत्र रत्न की। जब इनके पिताजी गए थे उनके पास दर्शन करने तो उन्होंने कहा आपकी बात पुत्र के साथ आना, और नामकरण पहले ही कर दिया था रघुराज प्रताप सिंह, यानी भगवान राम के नाम पे उनका नामकरण हो गया था। तो आप मानते हैं ऐसे व्यक्तियों को समाज में और बड़ा ओहदे पे जाना चाहिए? भाई हमारा बस चले, हम तो अनशन में बैठ जाएं इनके लिए, इनके लिए कि इनको सर्वोच्च स्थान, इनके कारगुजारी का के टक्कर का एक भी नेता वो कसम खा के बता दे इनके व्यक्तिगत भी किसी के मदद में कोई नेता राजा भैया के लिए अनशन पे बैठ जाएंगे टक्कर। बिल्कुल, हम तो भाई कोई अगर ऐसी बात पड़ती है तो हम तो मांग करेंगे जनता से कि महाराज एक वास्तव में जिसको राजा कहते हैं वो आज भी जीवित है, तो देशवासियों उनको पहचानो और इनको अगर कहीं पावर मिल जाए। अरे इनके बारे में सुना है कि जो ये जब ये सांसद बने जो भी बने इनकी जो तनख्वाह मिलती थी उससे ज्यादा ये जनता के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। महाराज दिखाओ एक आदमी हमको, एक नेता दिखाइए आप। तो बाबा राम रैली से आए हैं, सीधे यहाँ उतरते हैं और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का आवाज था, जन्मदिन पे मिल नहीं पाए थे, 31 तारीख थी, 85 साल उम्र हो रही इनकी, लेकिन शुभकामनाएं आशीर्वाद देने यहाँ पे मौजूद है। हम आए तो बैनर पढ़ रहे थे, तो जन्मदिन भी था 2 दिन पहले जी, तो शुभकामनाएं भी देंगे? हाँ बिल्कुल, अरे हम इसीलिए हमारा हम आए हैं हुए हैं, लेकिन बाबा आदमी मेरे पास कोई आमदनी तो है नहीं कि गाड़ी उठाई खट से आ जाएं, किसी जुगाड़ में आ गए, तो हमने कहा कि अगर हैं जो वहाँ वो नहीं भी मिलेंगे उनके जो कर्मचारी मिलेंगे उनको हम बधाई देंगे, बधाई दे के ही हम जाएंगे। बाबा बधाई देने आए हैं, इस समय हम खड़े हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक कुंडा के लगातार 9वीं बार राजा भैया की आवाज लखनऊ के बाहर, और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। शुभ नाम क्या है आपका? वैसे कृष्ण कुमार मिश्र मेरा आधार में नाम लिखा है, वैसे मैं यूट्यूब चैनल पर श्याम साधु के नाम से मैं जाना जाता हूँ, रोज रात में श्याम साधु लाइव मैं आता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा बाबा, आप श्याम साधु बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बंदर भोज के लिए फेमस है जी। हाँ मैं हूँ, हनुमान जी के भक्त हैं राजा भैया, आप भी हनुमान जी की सेवा साक्षात रूप में कर रहे हैं। हनुमान जी ने ही हमको भेजा है कि भाई अपने राजा से तो मिलो। अब कोई इसको आप चापलूसी न मानिएगा, मैं इनके टक्कर का आप कोई नेता बता दे, इनके इनके टक्कर का उसने जनता का काम किया हो, कोई नेता हो बता दीजिए आप। 85 साल के हैं, राय बरेली से चल कर आए हैं और राजा भैया को जन्मदिन पे मिल नहीं पाए तो शुभकामनाएं देने लखनऊ पहुंचाए बाबा श्याम साधु, और चैलेंज कर रहे हैं इनकी टक्कर का कोई नेता हो तो मुझे बता दो, नहीं मैं अनशन पे बैठ जाऊं तब आके बता दो। सही बात, हम जो चाहिए व्यक्तित्व समाज में बिरले होते हैं, लेकिन बाबा की नज़र में राजा भैया की छवि बहुत ही अच्छी है और समाज के लिए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि राजा भैया से ज्यादा कोई किसी पार्टी का नेता हो अगर वो साबित कर दे तो जो वो कहेगा मैं हार जाऊंगा, हमें फांसी में लटकाएगा मैं तैयार हूँ। अब बोलो, बाबा ने कर दी है बहुत बड़ा ऐलान कि राजा भैया के टक्कर का दूसरा व्यक्ति नहीं दिखा पाएंगे कोई भी, तो मैं जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा, और हमें आप जेल भेजवा दो, फांसी में लगा दो, मैं तैयार हूँ, कोई बताओ तो। अरे ऐसा आदमी मैंने भाई, राजा राम ऐसे रहे, फलाने ऐसे रहे, लेकिन आज मौजूद है, उनको जो देश के सबसे बड़े पद पर उनको बैठाना जाना चाहिए, हमारी जनता से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस उम्र में,
आप थोड़ा, हम चाहेंगे कि आप इतनी दूर से आए तो हम स्वयं आपको छोड़ेंगे, आप जहाँ जाएंगे मैं आपको छोड़ूंगा। मैं इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको स्वयं छोड़ दूंगा। राजा भैया के आवाज पे जन्मदिन की बधाई देने, दो दिन बाद भले ही बाबा आए हैं, लेकिन बाबा आए हैं लेकिन इनको छोड़ने का कार्य मैं करूंगा जेटी न्यूज के माध्यम से, क्योंकि इनके विचार बहुत उत्तम है, इनके कर्म बहुत उत्तम है। नहीं, हमारे विचार चैलेंज हैं, मैं जो चैलेंज कर देता हूँ। ठीक, आप इनके टक्कर का कोई हमको दिखाइए, आप भी तो न्यूज से हैं, आप यही बता दो। इनके जैसा अगर दानी व्यक्ति कोई भी आदमी हो, उसकी मदद करने में तत्पर रहता हो, जो ये सांसद बने कोई कमाई करने के लिए नहीं बने हैं, इनको भगवान ने बनाया। नौवीं बार लगातार विधायक हुए हैं। बाप रे बाप, बताइए कितनी बड़ी बात है, नौवीं बार। तो ये तो, अरे इनको तो क्या बताने, हमारा बस चले मंत्री होना चाहिए ऐसे लोग, आंख मूंद के होना चाहिए। और हम समझते हैं ये, लेकिन योगी जी खैर जो काम कर रहे हैं इस समय, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री अभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो राजा को बना देंगे। हाँ, एक मिनट में महाराज हम अनशन में बैठ जाएंगे। हम बड़े, माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी मैंने अकेले घोषित कराया है कि हम अनशन में बैठ गए, जब तक ये बन नहीं जाएंगे मैं अनशन में बैठा रहूंगा। बोलो बाबा, बैठेंगे अनशन पर, बनाएंगे राजा भैया को मुख्यमंत्री। इसी अपडेट के साथ आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।